दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डे टू डे अपडेट में। दोस्तों इस वीडियो में बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में जो वैकेंसी का ऑनलाइन प्रोसेस चल रहा है उससे रिलेटेड हम ये बताएंगे आपको कि कौन सा जो है पोस्ट प्रेफरेंस आप चूज कर सकते हैं। जो ये पोस्ट प्रेफरेंस होगा वो मेरा सजेशन बस मात्र होगा, बाकी जो फाइनल डिसीजन है वो आपका होगा। ओके, यहाँ पे सबसे पहले हम एक जो है पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, एक सेकेंड। हाँ, यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे 5 कंपनीज में ये वैकेंसीज है। एक जो है मेन कंपनी है यानी पेरेंट कंपनी है बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, और बाकी जो 4 है नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड और बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, यहाँ पे सी होगा। ओके, तो ये जो 4 कंपनी है अन्य ये जो है सब्सिडरी कंपनी है। मेन कंपनी ये हो गया BSVACL और ये 4 सब्सिडरीज कंपनी है। तो इन 5ों में जो है वैकेंसी यहाँ पे निकाला गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप ये देख लीजिए कि यहाँ पे टोटल 5 नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जैसा कि आपको पता होगा इस फॉर्म में आप इंटरेस्टेड हैं या फिर ऑनलाइन अप्लाई की सोच रहे हैं, तो यहाँ पे 5 जो है एडवर्टाइजमेंट है। सबसे पहला में जो है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का 40 सीट है और जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का जो है 40 सीट है। वहीं कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट में जो तीसरा एडवर्टाइजमेंट है उसमें क्रमशः 150 और 80 जो है पोस्ट दिया गया है। जूनियर अकाउंट क्लर्क जो है 4th एडवर्टाइजमेंट है उसके लिए 300 पोस्ट है, और टेक्नीशियन ग्रेड 3rd में जो 5th एडवर्टाइजमेंट में उसमें 2000 टोटल वैकेंसी है। ओके, इस पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है बहुत लोग ये सोचते हैं कि उनका जो है पोस्टिंग हेडक्वार्टर में कैसे होगा। तो देखिए जो हेडक्वार्टर में पोस्टिंग है वो जो आप पोस्ट का प्रेफरेंस डालिएगा उस पर मान लीजिए ऑलमोस्ट कि डिपेंड नहीं ही करता है, क्योंकि सभी जो 5ों कंपनी हमने बताया है उन सभी 5ों कंपनी का हेडक्वार्टर जो है पटना में ही है। ओके, एक ही जगह पे हेडक्वार्टर है, हम आपको दिखाएंगे एड्रेस कहाँ कहाँ पे हेडक्वार्टर है, और सभी कंपनी का जो है रीजनल या फिर बोल लीजिए फील्ड ऑफिसेज है और सभी कंपनी का जो है हेडक्वार्टर भी है। तो किसी भी कंपनी में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो वो चांस, मतलब ये भी चांस रहता है कि आपको हेडक्वार्टर भी मिल जाए या फिर फील्ड ऑफिसेज में भी आपको जॉब मिल जाए। ओके, तो वो कुल मिलाकर बात ये है कि आपका जो कंपनी का जो प्रेफरेंस आप चूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं करेगा हेडक्वार्टर में पोस्टिंग। डिपेंड किस पे करेगा, तो टोटली जो डिपेंड करेगा वो रिलेटेड कंपनी में जो भी आपका सिलेक्शन होगा जिस भी कंपनी में उस पर टोटली डिपेंड करेगा। हाँ, अब इसमें पहुंच चलता है कि नहीं चलता है हमें नहीं पता है, आपको शायद उस टाइम पे सिलेक्शन लीजिएगा तो पता चल जाएगा कि क्या इसमें मामला होता है। हमें ज़्यादा डिटेल नहीं पता है कि इसमें आपका रीच चलता है कि नहीं, अगर सिलेक्शन हो जाए अपने हिसाब से पोस्टिंग लेना है तो हमें नहीं पता है। बाकी जो चीज़ें हैं प्रेफरेंस से रिलेटेड, अभी आपका जरूरी है कि फॉर्म ऑनलाइन भरें, उसके रिलेटेड हम ये बता दें कि प्रेफरेंस पे ऑलमोस्ट मान लीजिए कि डिपेंड नहीं करेगा हेडक्वार्टर में पोस्टिंग। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे कि BSVACL जो है मेन कंपनी उसका क्वार्टर जो है यहाँ पे विद्युत भवन जवाहरलाल नेहरू मार्ग ही है। यहाँ पे सभी का विद्युत भवन ही हेडक्वार्टर है, जैसे कि BSVACL का 1st फ्लोर है, वहीं पे जो साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड है उसका जो हेडक्वार्टर है 2nd फ्लोर पे, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऐसे ही नॉर्थ बिहार का 3rd फ्लोर है, वैसे ही यहाँ पे जो पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड है उसका 4th फ्लोर है और पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड का 5th फ्लोर है। माने एक ही बिल्डिंग है, टोटल फ्लोर वाइज जो है हेडक्वार्टर यहाँ पे डिवाइड किया गया है। जो भी ऑफिशियल्स वर्क है वो यहाँ पे अलग अलग फ्लोर पे होता है, सबका यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो ये है हेडक्वार्टर वाला मामला। अब बात करते हैं कि आपको प्रेफरेंस कैसे चूज करना है। सबसे पहले असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो कि क्रमशः 40 और 40 पोस्ट है, इसके लिए हम बात करें तो देखिए यहाँ पे जो वैकेंसी निकाला गया है ओनली BSVTCL यानी बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड में निकाला गया है। तो इसमें आपको प्रेफरेंस डालने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, इसमें आप हेड ऑफिस में जॉब मिल सकता है या फिर फील्ड ऑफिस में मिल सकता है, ये डिपेंड करेगा जो कंपनी है उस पर। ओके, तो ये दोनों का आपको समझ में आ गया होगा जो भी इसमें इंटरेस्टेड होंगे। अब बात कर लेते हैं बहुत लोगों का जो क्यूरी आ रहा है हमारे चैनल पे, कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क, स्टोर असिस्टेंट और जूनियर अकाउंट क्लर्क का। सबसे पहले यहाँ पे इन दोनों को साथ में ही निपटा देते हैं। देखिए यहाँ पे एक हो गया BSVACL, इसमें जो है जूनियर अकाउंट क्लर्क का लगभग BSVACL में 10 पोस्ट के आसपास है। ओके,
और वैसे ही कॉरेस्पॉन्डेंस कलर के यहाँ पे BSPSL में भी बहुत कम वैकेंसी होगा, हमें नहीं पता है लेकिन 10 के आसपास हो सकता है या फिर उससे भी कम। तो ये समझिए कि इसमें तो वैकेंसी बहुत कम है BSPSL में। सबसे पहले आपको ये ध्यान देखना है कि आपको होम डिस्ट्रिक्ट या नियर बाई जो डिस्ट्रिक्ट है आपके घर का वो मिल जाए तो आपको बेहतर है। तो जैसे कि यहाँ पे एक हो गया साउथ बिहार, यहाँ पे साउथ बिहार और एक हो गया नॉर्थ बिहार। तो आप ये देखिएगा कि आपका जो घर है, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो किस कंपनी के अंडर में आता है, या फिर आपके घर के यहाँ सप्लाई कौन सी कंपनी करती है। इसके लिए हमने एक डिटेल है हमारे पास कि कौन से कंपनी का नेटवर्क किस डिस्ट्रिक्ट या फिर किस सिटी में है, उसको हम दिखा देंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। तो वो देखिएगा, अगर आपका जो है जिला है, जिला को बिजली सप्लाई जो है साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड करती है, तो अगर आप इसको फर्स्ट प्रेफरेंस में डालिएगा तो हो सकता है कि आपके जो है होम डिस्ट्रिक्ट है या फिर नियर बाई जो जिला है वो आपको मिल जाए। तो ये आपको ध्यान देखना है, सबसे पहले आपको एक चूज कर लेना है साउथ बिहार या फिर नॉर्थ बिहार में से। हाँ, जो कुछ नेबरिंग स्टेट वाले जो कैंडिडेट हैं जैसे UP और जो भी झारखंड वगैरह से फॉर्म अप्लाई करने के सोच रहे हैं उनके लिए भी हम थोड़ा सा बता दें कि इसमें से जो भी आपका घर जहाँ से नज़दीक पड़े वो वाला सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, हम आपको एक लिस्ट दिखा देंगे कहाँ क्या नेटवर्क है कौन से कंपनी का। तो यहाँ से आप एक, जैसे कि आप मान लीजिए कि साउथ बिहार में पड़ता है आपका घर, तो साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड एक ले लीजिए। ओके, उसके बाद में क्या करना है आपको, उसके बाद में आप नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ले सकते हैं। ओके, और उसके बाद में क्या करिएगा आप कि यहाँ पे BSPSL ले सकते हैं, BSPSL और उसके बाद में ये दोनों BSPTCL एंड BSPGCL। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे प्रेफरेंस ये डाल सकते हैं, ये मेरा सजेशन है। बाकी इसमें आप चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि साउथ बिहार डालने के बाद में मतलब अपना जो डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड जो कंपनी है उसको डालने के बाद में आप यहाँ पे BSPSL भी डाल सकते हैं, BSPSL। ओके, इसका भी जो है ऑलमोस्ट सभी जगह पे हेडक्वार्टर है, रीजनल ऑफिसेज हैं, तो इसको आप डालिए या फिर नॉर्थ बिहार को डालिए, कोई खास फर्क नहीं है। लेकिन सबसे पहले आपको ये ध्यान रखें कि अगर आपको नज़दीक में जॉब चाहिए तो आपने जिला से रिलेटेड जो कंपनी है उसको चूज कीजिएगा। दोनों ये जूनियर अकाउंट क्लर्क और इसमें कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट, इन दोनों में जो है ये रूल लागू होता है। बाकी आप खुद समझदार हैं, अपने हिसाब से देख लीजिएगा कौन सा कंपनी जो है आपको सिलेक्ट करना है। सभी के हेडक्वार्टर्स हैं पटना में और सभी का रीजनल ऑफिसेज हैं अलग अलग जगह पर, तो आप देख लीजिएगा। और बाकी यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट में क्यूरी आता है कि कौन से फर्स्ट प्रेफरेंस पे डालें और कौन से सेकंड प्रेफरेंस पे। देखिए, कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट ऑलमोस्ट एक ही जॉब है, लेकिन थोड़ा सा कार्य का फर्क आता है। जो स्टोर असिस्टेंट है आपको स्टोर के अंडर का स्टोर में आपको वर्क मिलेगा, और सभी का ये क्लर्क टाइप का जॉब है। ओके, ये पहले जो वैकेंसी निकलता था असिस्टेंट के नाम से निकलता था, ये पोस्ट इस नाम से पोस्ट नहीं आता था, असिस्टेंट के नाम से आता था। तो क्लर्क का ये जो पोस्ट है इसमें देखिए क्या होता है, स्टोर में अगर आपको ड्यूटी मिलेगा तो आपको जो है डायरी या फिर रजिस्टर या बोल लीजिए या फिर लेजर बोल लीजिए, लेजर में मेंटेन करना पड़ेगा आपको स्टोर के अंदर का, कितना सामान वहाँ से विड्रॉ हुआ है, कितना जो है सामान आया है, उसका लेजर मेंटेन करना पड़ेगा। और कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क का काम ऑफिस में हो सकता है, और ऑफिस में अगर काम है तो ऐसे समझिए कि ऑफिस में काम थोड़ा सा वर्कलोड बढ़ सकता है। बाकी आप देख लीजिए, जो जिसमें इंटरेस्टेड हैं वो डाल सकते हैं, हो सकता है कि स्टोर असिस्टेंट में वर्कलोड कम हो और कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क में वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। ओके, यहाँ पे बात करें एक सेकेंड, जो जूनियर अकाउंट क्लर्क हैं इनके रिलेटेड हम ये, इन पर भी सेम रूल लागू होता है। और यहाँ पे देखिए, जूनियर अकाउंट क्लर्क के लिए प्रमोशन और जो सभी चीज़ें उससे रिलेटेड हमने वीडियो बनाया है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज़रूर देख लीजिएगा। कितना छुट्टी मिलता है, ड्यूटी आवर क्या होता है, कितना रेस्ट मिलता है, वर्क प्रोफाइल क्या होता है, सभी चीज़ें का डिटेल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बात किया जाए यहाँ पे जो लास्ट वैकेंसी है टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की, तो यहाँ पे ये जो है टोटल 2000 पोस्ट है। इसमें देखिए, ये तीन ही कंपनी में ये वैकेंसी है, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्थ बिहार में और
ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड में है, ये तीनों में वैकेंसी है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, तो इन दोनों में से एक सिलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी आपका मतलब रिलेटेड जो डिस्ट्रिक्ट है जिस कंपनी से रिलेटेड, तो वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। और उसके बाद में यहाँ पे जो है उसके बाद में आप जो है ये जैसे कि आपका अगर साउथ बिहार रिलेटेड डिस्ट्रिक्ट हो गया, उसके बाद में नॉर्थ बिहार डालिए और उसके बाद में ये डाल दीजिए ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड। ओके, तो ये आपका इसमें जो है प्रेफरेंस आप डाल सकते हैं टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का। और बात की कि SB साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड का नेटवर्क कहाँ है, तो ये देख सकते हैं टोटल 17 डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है साउथ बिहार, और इसमें टोटल 36 डिवीजन है। और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट या फिर बोल लीजिए सिटीज़ का नाम दिया गया है, आप देख लीजिएगा किस सिटी से रिलेटेड आपका घर है, किस सिटी में आपका घर है और ये कंपनी का नेटवर्क उस सिटी से रिलेटेड है। बात करें नॉर्थ बिहार में तो टोटल 21 डिस्ट्रिक्ट है जिसको ये कवर करता है, यानी 29 डिवीजन को कवर करता है, 21 डिस्ट्रिक्ट एंड 29 डिवीजन को। और ये यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम एंड सिटीज़ का नाम दिया गया है, आप देख लीजिएगा किससे बिलोंग करते हैं, या फिर अगर आप दूसरे नेबरिंग स्टेट से हैं तो आप देख लीजिएगा कहाँ से आपका जो है ये जो डिस्ट्रिक्ट है वो नज़दीक में पड़ सकता है। तो यही था, उम्मीद करते हैं कि रिसर्च आपको पसंद आया होगा, और जो भी हमारा रिकमेंडेशन था या फिर जो भी हमारा ओपिनियन था वो हमने आपको प्रोवाइड कराया है। जो भी प्रेफरेंस आपको डालना है वो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, बाकी फाइनल डिसीजन आपका ही होगा। जस्ट ये मेरा सजेशंस था कि ऐसे आप प्रेफरेंस के लिए सोच सकते हैं। ओके, तो बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों को। थैंक यू सो मच।